नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का सनातन ज्ञान में। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। देखिए, शनिवार का दिन भगवान शनि देव को समर्पित है। शनि देव को निर्णायक ग्रह भी कहा जाता है और शनि देव थोड़ी सी पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि शनि देव की जो कृपा उन पर हमेशा बरसती रहे, क्योंकि शनि देव एक बार अगर रुष्ट हो जाएं, किसी से नाराज हो जाएं, तो राजा का रंग बनते देर नहीं लगती। इसलिए हर व्यक्ति जो है शनि देव की कृपा प्राप्त करना चाहता है। तो आज मैं आप लोगों को सबसे सरल उपाय बताऊंगा जिन्हें करके कोई भी व्यक्ति शनि देव की कृपा प्राप्त कर सकता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहला उपाय, शनिवार के दिन जो मीठी रोटी या मिठाई होती है, ये आपको गौ माता को या कौवे को अवश्य खिलाना चाहिए। इससे शनि दोष तुरंत शांत होते हैं। और अगर चाहे तो चींटियों के दाने खिला दीजिए, इससे भी शनि दोष शांत होता है। दूसरा उपाय, शनिवार के दिन सरसों के तेल का जो दीपक होता है, ये आपको पीपल के पेड़ के नीचे में अवश्य जलाना चाहिए और थोड़ा सा सरसों तेल आप पीपल के जड़ पर जरूर डालें। इससे क्या होता है, शनि देव आपके जीवन में कुछ परेशानी ला रहे हैं तो सारी परेशानी शांत होती है। तीसरा उपाय, शनिवार के दिन जो भी व्यक्ति घी लगी हुई रोटी अगर गौ माता को खिलाता है तो जीवन में आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है, यानी कि अचानक से कहीं से भी आपको पैसों का भरा हुआ बैग मिल सकता है। मतलब किसी न किसी माध्यम से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, तो ये उपाय जरूर करिएगा। चौथा उपाय, आपको जो बता रहे हैं वो है, अगर कोई व्यक्ति काली उड़द की दाल से बनी रोटी अगर काली गौ माता को खिलाता है या काले कुत्ते को खिलाता है, तो ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है, उस व्यक्ति के जन्म जन्मांतर की गरीबी है वो समाप्त हो जाती है। शनिवार जो होता है भैरव का भी दिन होता है और शनिदेव महाराज का दिन भी होता है, तो आज के दिन गाय को बिना नमक की रोटी अगर आप खिलाते हैं तो सभी तीर्थों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि गौ माता के शरीर में समस्त तीर्थ बसते हैं। ये उपाय भी जरूर करिएगा, शनिदेव प्रसन्न होते हैं। पांचवा और अंतिम उपाय, यदि आप अपने जीवन में चल रही शनि की पीड़ा से परेशान हैं, आपके जीवन में शनि की साढ़े साती चल रही है, तो आपको शनिवार के दिन आपके घर के आसपास जहां कहीं भी शनिदेव का मंदिर हो वहां जाकर के शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए और एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक में काले तिल के कुछ दाने अवश्य डालें। ऐसा करने से आपकी जीवन में चल रही साढ़े साती खत्म हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको शनिवार के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष महा उपाय बताए हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे उस उपाय को जरूर करिएगा। धन्यवाद।